आगे से नहीं गाऊंगा, माफ कर दो। यस, गलती गलती गलती। वॉर वाला म्यूजिक, वॉर वाला म्यूजिक। मामा मा, आज मैंने माँ बोला और सेक्सी लेडी ऑन द चेयर। माँ मैं तेरे चेक की पाई पाई का हिसाब लेके दूंगा माँ। थैंक यू। चाहे उसके लिए मुझे अपनी पेमेंट क्यों ना छोड़नी पड़े। कहाँ है मेरी बहन, कहाँ है मेरी बहन? नहीं, तू मेरी बहन नहीं हो सकती। मैं 70s का हीरो हूं जिसकी बहन पूरे कपड़े पहन के रखती थी तो उसे रंजीत उठा के ले जाता था। जैसे कपड़े तूने पहने तुझे तो भारत भूषण उठा के ले जाएगा। हाँ, और आज वो हीरो जो 40-40 गुंडों से अकेले लड़ता है, आज बॉर्डर पर सच में लड़ने आया है असल की लड़ाई, और मैं बताऊंगा कि ये लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। एक्शन। मैं तुम सबको चुन 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 चुन, काट 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 काट, फंबल फंबल दोबारा। मैं तुम सबको चुन चुन के मारूंगा। ओके, प्रिंट, नेक्सिन, ब्लड लाओ, सेक्रेटरी प्लीज जूस जूस। शेखर जी, ऐसी औरतें होती हैं, मजे बॉयफ्रेंड को देती रहती है, बिल बेचारे पति को भरना पड़ता है। अरे यहाँ धूप बहुत है, मेरा छाता लाओ। छाता? हाँ। अरे यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है 1970 के सिनेमा की। एक बच्चा मांगो जुड़वा होते थे, एक छाता मांगो दो दो छाते लाए हैं। शुक्र करो खली उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ। अकेला पैदा हुआ तो 7 दिन लगे, अगर जुड़वा पैदा होते तो 6-7 माए लग जानी थी। लेकिन मेरे लिए जूस लेके आओ क्विक। सर ये जंग है, यहाँ जूस नहीं मिलता, यहाँ जूस निकलता है। ये जंग कौन बना रहा है, कौन है प्रोड्यूसर इसका? बंद करो, बंद करो शूटिंग, बंद करो, रोको रोको ये जंग इमीडिएटली। एक मिनट, सालों छुप छुप के क्यों हमला कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो मुझे भी छिपने का मौका दो यार। सर आप छिप क्यों रहे हैं? टैलेंट अक्सर छिपा ही रहता है। वाह वाह वाह। और वैसे भी मेरा टैलेंट तो पहले बच्चे के पीछे छिपा हुआ था और अब सारा तो टांगों के पीछे छिपा रहता है। सर आप हीरो हैं, हीरो हीरो वाली लाइन हीरो। हाय साला, मैं अगर किसी ने माँ का दूध पिया तो सामने आओ। सर ये चाइनीज लोग हैं, इन्होंने माँ का दूध नहीं पिया, इन्होंने मान चाओ सूप पिया है। तो ठीक है, जिसने साला हम नाम नहीं ले पा रहे ये पी जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अगर गोली चलाई तो मैं तुम्हें देख लूंगा। हाय कम ऑन सर, कम ऑन, आपने कहा था कि आप देश के लिए लड़ना चाहते हैं। मैंने कब कहा था बे? सर हीरो 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 वाला एटीट्यूड। देश के जवानों की कसम, बदला लेने आऊंगा हिंदुस्तान की। अबे सालो डायलॉग तो पूरा होने दो। अबे ये मैच मेरा किससे डलवा दिया तूने? साले ओवरलैप कर रहे हैं। ये चाइनीज फौजी है सर, आदत है इनकी ओवरलैप करने की। एक गाल पे पप्पी देकर दूसरे गाल पे स्लैप करने की। वाह वाह, क्या पप्पी आई है तेरी लाइन में, वाह। ये तो कुछ नहीं है, आप मौका तो दे दो, बिना लाइन के भी पप्पी आ जाएगी। तेरी हर एक्ट में पप्पियां जरूर आनी होती हैं। अब चैनल ने मॉल दिया है तो मैं भी थोड़ा यूज कर लूं ना। शेखर जी अब इसे कौन समझाए कि छुरी मक्खन पे गिरे या मक्खन छुरी पे, मजा तो शेखर जी को आना है। ठीक है ना, ये बता तू ऐसी कब से है? मैं पता ही नहीं चला सर, पता ही नहीं चला। शेखर जी ऐसी लड़कियां होती हैं, पता ही नहीं चलता सर, पता ही नहीं चलता कब ग्रह शोभा का वो वाला पेज पढ़ने की आदत पड़ गई, पता ही नहीं चलता। मजे लो सर, बस मुझे हीरोइन ना लो। हीरोइन बनने के लिए एक फिल्मी डायलॉग,
मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नहीं, मैं 70s का हीरो हूँ और यहाँ पर कुछ भी कर लो, जब तक फूल से फूल ना टकराए बच्चा नहीं होता है। नहीं, यही रुको, मैं फूल लेकर आती हूँ। नहीं, बारी है अब कॉमेडी की, इसलिए यहाँ पर बुलाते हैं कपिल शर्मा। रहने दो, जैसा उसने पिछले एक्ट किया मैं खुद ही कर देता हूँ। लेकिन कॉमेडी के बाद एक सच्चाई, हम हीरो, फिल्म के हीरो, जिन्हें बार बार रीटेक मिलता है, लेकिन ये वो जगह है जहां कोई रीटेक नहीं, यहां जान की बाजी लगानी पड़ती है, कोई रीटेक नहीं मिलता। सर, इतना मुश्किल है कॉमेडी सर्कस करना? खैर, कोई आए ना आए, लेकिन ये हीरो हमेशा लड़ता रहेगा। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, गोली ना चलाना, गोली मत चलाना, मत चलाना, मत चलाना। जैसी तूने एंट्री की है ना, हथियार उठ सकता है लेकिन गोली नहीं चलेगी। हाथ कांप रहे हैं, कौन है तू? मैं चाइना से आई हूँ, हमारे फौजियों ने कहा है कि उनका हीरो आ गया है तो अपनी हीरोइन भेज दो। तुम जानती हो कि हम जो हीरो हैं, हमें लड़कियों की कमी वैसे कभी नहीं रही। अरे हीरो तो हमारे किसी से कम नहीं है, जैकी चैन। अरे जैकी हमारे पास भी है और वो सालों से चैन से बैठा हुआ है। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मैं आपके आगे छुरी फैला रही हूँ, मुझे बच दो। क्या फैला रही हो? छुरी फैला रही हूँ। तू झोली फैलाएगी? तू झोली फैला, झोली फैला, तू झोली फैलाएगी, कितनों की आंखें फैल जाएंगी। झोली फैला। ये क्या झोली, झोली तो पीछे ही पड़ी है। अबे मैं तो नीचे पड़ने को भी तैयार हूँ, झोली फैला। शेखर जी, सिर्फ आपके लिए, मेरा पर्सनल कोई लालच नहीं। कोई लालच, चंद नंबरों के लिए, और चंद नंबर 9 नहीं होते सर, 8 दिस मूवमेंट 10 ही बनते हैं, समझे? उनके लिए मैं झोली फैलाने को तैयार हूँ अभी इसी वक्त, लेकिन उसके पहले तुम आंखें बंद कर दो। साला सारी दुनिया मजा ले ले, मैं मजा ना लूं। मैं तो शेखर जी वो चौकीदार हो गया जो चाबी दे के बाहर खड़ा रहता है चौकीदारी करने। चाचा जी ने ठीक कहा था, कभी चाइनीज आइटम पे भरोसा मत करना। प्लीज प्लीज मुझे सही कर दे, प्लीज। क्यों? ताकि एक्ट के बाद तू दुनिया को बता सके कि मैंने कुछ तो सही किया है। ऐसी बात है तो एक और फिल्मी डायलॉग। तुम कभी बाप नहीं बन सकते। नहीं, मुझे तो गोली पेट में लगी है। प्लीज मेरी गोली निकाल दे, मैं बाप बनना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज। रुक जाओ, गोली निकाल देती हूँ, निकाल। मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया। अबे साली, कहीं मेरी सरदर्द की गोली तो नहीं निकाल दी? सॉरी, सेरिडॉन निकाल दी। लेकिन शेखर जी सच मानिए, यहाँ पर आके पता चला है कि असली गोली का दर्द क्या होता है। फिल्मों में तो नकली गोलियां खाते थे, इसलिए हीरो हम नहीं, हीरो है हमारे असली फौजी जो असली गोली खाते हैं सर। हम नहीं है, हम तो सिर्फ सिर्फ मरते हुए गाना गा सकते हैं, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। क्योंकि मेरे पिताजी कहा करते थे कि ये गाना गाओगे सब ठीक हो जाएगा, तेरी गूंगी माँ बोलने लगेगी, बोल माँ बोल, बोल आई वॉन्ट टू टेक यू होम, बोल बोल माँ, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। वो माँ है तो फिर वो भाई, छोटा भाई। बोल मुन्ना, मुन्ना गा मुन्ना, जिंदगी हर कद, जिंदगी हर कदम एक नया अंग है। अंग नहीं, अंग नहीं होता है, जंग होता है, जंग। हट,
उनका जंग से क्या लेना देना? उनकी तो जंग भी अंग के लिए होती है। सब मिलके गाओ जिंदगी हर कदम एक नई।